नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप पांडे आज अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सभी को प्रतापगढ़ जनपद में चल रहे दुर्गा पूजा मेले को दिखाएंगे, भव्य पंडाल और भव्य प्रतिमाओं के दर्शन कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कंपनी गार्डन से। हम पहुंच चुके हैं सबसे पहला अंबेडकर चौराहा। ये माता रानी काली जी का मंदिर है जो कि भव्य तरीके से सजाया गया है। और आज जनपद में शहर में जितने भी पंडाल हैं सबके दर्शन कराएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बलीपुर पहुंच चुके हैं। बलीपुर में हनुमान मंदिर के पास ये भव्य पंडाल सजा हुआ है, जहाँ पर माता रानी की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। देखिए ये नजारा। दिखाते हैं आपको। तो ये है प्रवेश द्वार, इसमें हम लोग घुस चुके हैं। बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है। पहाड़ों पर गणेश भगवान, प्रभु श्री रामचंद्र जी, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं व्यवस्थापक मंडल बैठकर सारी निगरानी रखे हुए। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। और आइए हम अंदर चलकर आपको दिखाते हैं किस तरीके से माता रानी की भव्य प्रतिमा के हम दर्शन करेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम आज ज्यादातर पंडालों के दर्शन आप कराएंगे। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर नदी में ये नदी बनाई गई है। आप ठंडे ठंडे जल में, उफ तो बहुत ठंडा लगता है। तो ठंडे ठंडे पानी में चलते हुए आप दर्शन करेंगे माँ शेरोवाली का, बहुत ही भव्य प्रतिमा। और आपको बता दें ये मोतियों से बनाई गई, मोतियों से बनाई गई है। देखिए शेर जो माता रानी का बना हुआ है मोतियों से जड़ा गया है और बहुत ही भव्य प्रतिमा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और कितनी अच्छी सजावट और भव्य प्रतिमा की स्थापना के लिए हम व्यवस्थापक मंडल को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और चलते हैं आगे के पंडालों में। किलबिला बाजार में ही ये भव्य पंडाल लगा हुआ है। आइए अंदर चल के हम देखते हैं इसको। और वाह, बहुत ही भव्य प्रतिमा है, कितना अलौकिक रूप है माता रानी का। आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए कि हम भरत मिलाप को इस चैनल पर लाइव दिखाने वाले हैं आपको। और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। किलबिला में ही स्थापित है ये हनुमान जी की भव्य प्रतिमा, बहुत ही अलौकिक रूप हनुमान जी का यहाँ पर दिख रहा है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चिलबिला तिराहे पर देखते हैं वहाँ पर पंडाल कैसा सजा हुआ है। ये चिलबिला तिराहा है पट्टी रोड, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी भव्य पंडाल और भव्य प्रतिमा माता रानी की स्थापित की गई है, जिसका नजारा आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम सीधे चलते हैं आगे के पंडालों में। यहाँ पर रामलीला होती है, आप लोग यहाँ आए तो रामलीला देख के जरूर जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक पंडाल यहाँ पर और सजा हुआ है, जय माँ शक्ति दुर्गा पूजा सेवा समिति। और यहाँ पर भी माता रानी का अलौकिक रूप आपको देखने को मिलेगा। देखिए कितनी प्यारी प्रतिमा लगी हुई है। भक्त जन यहाँ पर माता रानी के दर्शन कर प्रसाद ले रहे हैं। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे और चिलबिला के स्टेशन रोड पर एक भव्य पंडाल सजाया गया था, जिसका अभी हमने देखा। ये चिलबिला के ओवरब्रिज पर अभी हम हैं और सीधे चलते हैं अब रामलीला मैदान की तरफ। उससे पहले आपको, जिनकी वजह से प्रतापगढ़ जनपद का पूरे विश्व में नाम है, माँ बेल्हा देवी के दर्शन कराएंगे, लेकिन पुल से ही दर्शन कराएंगे और बहुत ही भव्य रूप दिखाई देगा आपको, बहुत ही अलौकिक रूप दिखाई देगा। और हम वहाँ पहुँच चुके हैं, पुल से माँ बेल्हा देवी का नज़ारा आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और सई नदी का अलौकिक दृश्य आप देखिए, कितनी बढ़िया बिजली की चमचमाहट आप लोगों को दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच चुके हैं सदर मोड़ पर। आइए दिखाते हैं, यहाँ का पंडाल तो भव्य है ही, और अंदर चल के देखते हैं यहाँ की प्रतिमा कैसी है। दोस्तों आपको यहाँ जितने भी दिखाए गए पंडाल और प्रतिमाएं लगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सी प्रतिमा आपको अच्छी लगी, कौन सा पंडाल आपको अच्छा लगा। तो बहुत ही अलौकिक रूप है, यहाँ पर बगल में जागरण हो रहा है। हम कॉपीराइट आने के कारण म्यूजिक नहीं दे सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं भव्य पंडालों की तरफ और चलते हैं रामलीला मैदान की तरफ। वो जो दिखाई दे रहा है आपको शिवलिंग में स्थापित माता रानी की प्रतिमा, जो कि रामलीला मैदान के ठीक पहले बहुत ही भव्य तरीके से बनाई गई है, ये आप देख रहे हैं। शिवलिंग में माता रानी की प्रतिमा स्थापित की गई है, ऐसे नहीं मजा आएगा, इसको हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भक्तजनों की भीड़ लगी हुई है और बहुत ही भव्य रूप में माता रानी यहाँ पर विराजमान है, और इनका अलौकिक रूप आपको देखने को मिल रहा है हमारे चैनल के माध्यम से। बहुत ही अच्छी प्रतिमा यहाँ पर दिख रही है, आप लोग देखिए। तो जैसा कि हम आपको बोल रहे थे कि आपको कौन सी प्रतिमा, कौन सा पंडाल अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो प्रतापगढ़ जनपद से बाहर बैठकर हमारा ये चैनल देख रहे हैं, कृपया आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अपने जिले की खबरें, अपने जिले के ब्लॉग्स आप तक पहुंचाए जा सके। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रामलीला मैदान, यहाँ पर हम दिखाएंगे, यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे एक झलक दो मेले की। तो मेला इसी तरह से चल रहा है, आप लोग यहाँ पर आइए तो जरूर देखिए, यहाँ पर बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज़ें, झूला, जादूगर और तमाम सारी चीज़ें हैं। तो
एक बार अपने बच्चों को जरूर घुमाइए यहाँ पर, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। भरत मिलाप हम आपको इसी चैनल पर लाइव दिखाएंगे, उसके लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप किसी कारणवश नहीं आ सके हैं तो। धन्यवाद। मैं अनूप पांडे, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, नवरात्रि की शुभकामनाएं और दशहरे की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।